नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। त्याग और बलिदान के मिसाल सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। जी हां, घरों से लेकर गुरुद्वारों में जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं। दूसरी तरफ लंगर का खास तौर पर आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं खालसा पंथ की ओर से झांकियां निकाली जा रही है। ऐसे में धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और उनसे जुड़ी वो खास चीजें जिन्हें पटना साहिब के गुरुद्वारे में संभाल कर रखा गया है। आज 1666 में पौष माघी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और मां का नाम गुजरी था, जो कि उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे, इसलिए आज दुनिया उन्हें 10वें गुरु के तौर पर मानती है। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाती आई है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है, वो तीर कमान चलाना, बनावटी युद्ध करना इत्यादि खेल खेलते थे, जिसके कारण बच्चे उनको सरदार मानने लगे थे। अल्पायु में ही उन्होंने फारसी, हिंदी, संस्कृत, ब्रज आदि भाषाएं सीख ली थी, जो कि 1665 में औरंगजेब ने उनके पिता गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया था, जिसके बाद 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें अपने पिता की गद्दी संभालनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी बेहद ही निडर और बहादुर योद्धा थे। उनकी बहादुरी का अंदाजा आप इस दोहे से लगा सकते हैं, जो उनके बारे में लिखा गया है, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों में सो बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतना ही नहीं, उन्होंने ही खालसा वाणी दी थी, जिसे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। इसमें सिखों के लिए केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा धारण करने का रिवाज है। वहीं पटना के गुरुद्वारा साहिब में आज भी वो चीजें मौजूद हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त में थी। पानी भरने के लिए जिस कुएं का इस्तेमाल माता गुजरी जी किया करती थी, वो आज भी यहाँ है। इसे देखने संगतों की भीड़ उमड़ी रहती है। आज भी इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी की छोटी कृपाण मौजूद है। यही वो कृपाण है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी बचपन के दिनों में धारण किया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने केशों में जिस कड़े का इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की लकड़ी के खड़ाव भी यहीं पर संभाल कर रखे गए हैं। तो आज समूचा देश गुरु गोविंद सिंह जी की 393वीं जयंती मना रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी। धर्म ज्ञान की ओर की तरफ से भी आपको गुरु गोविंद सिंह जी की इस जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं। और हमेशा याद रखिए कि मनुष्य का प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है।